विंडोज 11 में डेटा ड्राइव को प्रोटेक्ट करने के लिए इनबिल्ट टूल अवेलेबल है विंडोज 11 में। विंडोज 11 के डिफरेंट वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स में सिर्फ प्रोफेशनल, एंटरप्राइज या एजुकेशन एडिशन में ही ये आपको सिक्योरिटी फीचर मिलेगा। डेटा ड्राइव को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बिटलॉकर को अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को, या आप यूज कर सकते हैं दिस पीसी का, जहां पर आपको सभी ड्राइव्स शो होती हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं दिस पीसी को। ओपन करने के बाद ई ड्राइव मेरी डेटा ड्राइव है, एफ ड्राइव भी डेटा ड्राइव है, और जी ड्राइव भी मेरी डेटा ड्राइव है। सी ड्राइव मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव है। अगर आप सी ड्राइव पर बिटलॉकर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मदरबोर्ड पर TPM चिप अवेलेबल होनी चाहिए। TPM स्टैंड्स फॉर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, 1.2 इसका वर्जन होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि डेटा ड्राइव को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो डेटा ड्राइव को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ड्राइव पर करना है राइट क्लिक, देन आप क्लिक करेंगे टर्न ऑन बिटलॉकर ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको इस ऑप्शन पर चेक मार्क करना है यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, देन आप यहां पर पासवर्ड एंटर करेंगे। बाय डिफॉल्ट विंडोज 11 में एक डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो रखी है जिसमें आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स को एंटर करना होगा। इस पासवर्ड में आप अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स, स्पेस या सिंबल का यूज कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा उतना ही कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे ओपन करने के लिए गेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड अवेलेबल है तो आप अपनी ड्राइव को अनलॉक करने के लिए स्मार्ट कार्ड यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड पिन आपको तभी रिक्वायर्ड होगा अगर आपको ड्राइव को अनलॉक करना होगा। तो अभी मेरे पास कोई भी स्मार्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उसको मैं फिलहाल कर देता हूँ नेक्स्ट। देन आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेव टू USB फ्लैश ड्राइव। अगर आपके पास USB मीडिया अवेलेबल है तो आप उसमें अपने इस रिकवरी की को सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास USB फ्लैश ड्राइव नहीं है तो आप इसको अपनी फाइल में सेव कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इस रिकवरी की का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, फ्लैश ड्राइव भी नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूं अपने सिस्टम में। तो इसे सेव करेंगे फाइल, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। ये एक टेक्स्ट फाइल होगी, अगर आप इसे रीनेम करना चाहें तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ टेस्ट ड्राइव, सेव किया तो ये आपकी फाइल सेव होगी। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन, इनक्रिप्ट डिस्क स्पेस ओनली, और सेकंड है इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे तो आपका जो इंक्रिप्शन है वो फास्ट होगा और आप इसे न्यू पीसेस एंड ड्राइव्स में यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इंटायर ड्राइव का, ये स्लोअर होगा बट ये आपके पूरे पीसेस और जितने भी ड्राइव्स अवेलेबल हैं आपके सिस्टम में उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे डिफॉल्ट रहने दूंगा, इंटायर यूज दिस स्पेस ओनली, नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, न्यू इंक्रिप्शन मोड और कंपैटिबल मोड।
न्यू इंक्रिप्शन मोड आपका बेस्ट ऑप्शन है फिक्स्ड डिस्क के लिए। अगर आप अपने सिस्टम से अपने हार्ड ड्राइव को रिमूव करके अगर किसी अदर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन इसलिए कि हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं सामने वाले सिस्टम में वो वर्जन अवेलेबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में मे बी पॉसिबल है कि आपकी जो ड्राइव है जो बिट लॉकर से इंक्रिप्टेड है वो ओपन ना हो। लेकिन अगर आपने कंपैटिबल मोड से बिट लॉकर को अप्लाई किया होगा तो अगर आपने अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को रिमूव किया अपने लैपटॉप से और उसे इंस्टॉल किया अदर लैपटॉप में तो आपकी जो ड्राइव है वो 100% ओपन हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। अगर आप हार्ड डिस्क को इन फ्यूचर कभी हटाएंगे आप दूसरे सिस्टम में इंसर्ट करेंगे तो आपको यूज करना है कंपैटिबल मोड, और अगर आप वो नहीं करते तो आप यूज कर सकते हैं न्यू इंक्रिप्शन मोड को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ न्यू इंक्रिप्शन मोड, नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन स्टार्ट इंक्रिप्शन। तो आपके डेटा ड्राइव के ऊपर एक लॉक का सिंबल बना आएगा, इसका मतलब है कि इस ड्राइव के ऊपर बिट लॉकर इनेबल हो गया। अगर आप नोटिफिकेशन एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिट लॉकर का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका बिट लॉकर कंप्लीट अप्लाई नहीं हुआ। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर बिट लॉकर अप्लाई हो चुका है लेकिन ये ड्राइव है अभी अनलॉक, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे कंट्रोल, तो कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन हेल्प प्रोटेक्ट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय प्रोटेक्टिंग योर ड्राइव्स विद बिट लॉकर। सी ड्राइव आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव है और फिक्स डाटा ड्राइव्स हैं आपके ई एफ एंड जी। तो अभी एफ एंड जी पर तो बिट लॉकर ऑफ है, ई पर है आपका बिट लॉकर ऑन। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन समझते हैं। पहला ऑप्शन है बैकअप योर रिकवरी की। अब मान के चलो कि जो आपने रिकवरी की सेव की थी अपने डेस्कटॉप पे किसी ने इसको गलती से डिलीट कर दी, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से रिकवरी की को फिर से रीजनरेट करवा सकते हैं। तो आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो इसे हम फिर से सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। अब मैं इसके नेम को चेंज नहीं करता, सेव किया, फिनिश किया तो आपकी रिकवरी की रीजनरेट होगी। सेकंड ऑप्शन है चेंज पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं चेंज पासवर्ड ऑप्शन पे, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है ओल्ड पासवर्ड और यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपना न्यू पासवर्ड और कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। अब बाय चांस अगर आपको ओल्ड पासवर्ड नहीं मालूम तो आप यूज कर सकते हैं रीसेट अ फॉरगॉटन पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड पुराना बताना नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको ओल्डर पासवर्ड से चेंज करके दिखाता हूँ पासवर्ड। तो मैं अपना पुराना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हम एंटर करेंगे अपना न्यू पासवर्ड, लेकिन जो पासवर्ड है आपका वो मिनिमम आपका 8 करेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 256 करेक्टर हो सकते हैं आपके पासवर्ड में। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपकी रिकवरी की है वो सेम रहेगी। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज, फिर से करते हैं इसका चेंज पासवर्ड। अब हम ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर एंटर नहीं करते, हम क्लिक करते हैं रीसेट अ फॉरगॉटन पासवर्ड ऑप्शन पे। तो अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना न्यू पासवर्ड, तो आप यहाँ पे एंटर करिए जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपनी ड्राइव का, देन आपको क्लिक करना है फिनिश पर। तो जो आपका पासवर्ड है वो
चेंज हो जाएगा। ओके पे क्लिक करा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव पासवर्ड। तो आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दिस पासवर्ड इज द ओनली वे टू अनलॉक दिस ड्राइव, एड अनदर अनलॉकिंग मेथड बिफोर रिमूविंग दिस वन। अगर आप पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास एक अनदर वे अवेलेबल होना चाहिए जिसके द्वारा आप अपनी ड्राइव को अनलॉक कर पाए। तो हमारे पास स्मार्ट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो मैं इसके पासवर्ड को रिमूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड ड्राइव अवेलेबल है तो आप स्मार्ट कार्ड ड्राइव को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑन ऑटो अनलॉक। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो ड्राइव है वो बिट लॉकर से इंक्रिप्टेड होना चाहिए। ओके कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ बिट लॉकर। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बिट लॉकर आपने अप्लाई किया है ई ड्राइव पर ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन मेरा ई ड्राइव जो है ये ओपन है, इसको लॉक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं या आप सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने सिस्टम को कर देता हूँ रिस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट हुआ। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने डिस पीसी से कि आपकी जो ड्राइव है वो लॉक है कि अनलॉक। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपकी जो ड्राइव है वो लॉक हो चुकी है। अब इस ड्राइव को सिर्फ वही पर्सन एक्सेस कर पाएगा जिसके पास इसका पासवर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसे पासवर्ड से कर देता हूँ अनलॉक। ड्राइव आपकी अनलॉक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इस ड्राइव को लॉक करना, क्योंकि आपके पास कोई आपका फ्रेंड अवेलेबल है जो आपके इस ड्राइव से डाटा को कॉपी कर सकता है या डाटा को डिलीट कर सकता है, उसके लिए आप सिस्टम को तो बार बार रिस्टार्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ये जो ड्राइव है बिना रिस्टार्ट किए आपके सिस्टम को कर देगा लॉक। वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ड्राइव है मेरा ई, तो उसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे cmd, देन आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। कंसेंट ओपन होगा, आपको इसे करना है यस। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे मैनेज, टैब की प्रेस करेंगे तो कंप्लीट कमांड है मैनेज माइनस bde.exe स्पेस -- स्टेटस कमांड होती है वेरीफाई करने के लिए, तो आप एंटर करेंगे तो ये आपके सिस्टम में अवेलेबल सभी ड्राइव्स का स्टेटस आपको यहाँ पर शो करेगा। तो हमने उसे ई ड्राइव पे अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि बिट लॉकर का जो वर्जन है वो है 2.0, यू स्पेस ओनली इंक्रिप्टेड है, 100% इंक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, 128 बिट से इंक्रिप्शन ऑन है, प्रोटेक्शन ऑन है और लॉक स्टेटस है उसका अनलॉक। अगर आप पर्टिकुलर ड्राइव का स्टेटस देखना चाहें तो आप यहाँ पे उस ड्राइव को मैंशन कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ उसी ड्राइव का स्टेटस यहाँ पर शो होगा। अब मुझे इस ड्राइव को करना है लॉक। लॉक करने के लिए आप यहाँ पर कमांड रन करेंगे मैनेज -bd स्पेस -lock ई ड्राइव -force dismount, एंटर करेंगे तो आपकी जो ड्राइव होगी ये लॉक हो जाएगी। वेरीफाई करा देता हूँ आपको, तो ड्राइव है आपका लॉक। ओपन करेंगे तो अब ये ओपन नहीं होगा। अब आप ऐसा ज्यूम करिए कि आप पासवर्ड भूल गए, आपको इस ड्राइव को करना है अनलॉक। तो अनलॉक करने के सिर्फ दो ही मेथड है। पहला मेथड है कि आपको पासवर्ड पता हो, दूसरा मेथड है कि आपके पास इसकी रिकवरी की अवेलेबल हो। तो इसे मैं करता हूँ ओपन।
तो यहाँ पर तो आपको पासवर्ड एंटर करना है, तो हम क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे एंटर रिकवरी की ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पर एंटर करनी है 48 डिजिट की रिकवरी की जो इस ड्राइव को करेगी अनलॉक। अब इसकी की आपको कहाँ पर मिलेगी, जिसकी की आईडी होगी फाइल की A4BAE9FA। तो चेक कर लेते हैं ये कोड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद दो फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, पहले मैं पहली फाइल को ओपन करता हूँ, तो ये जो कोड था ये लिखा हुआ, तो रिकवरी की आपकी ये है 48 न्यूमरल्स की। सेकंड फाइल को ओपन करेंगे तो ये जो हमने बाद में बैकअप लिया था ये वो फाइल है, तो दोनों के अंदर आप देखेंगे तो आपकी ये कोड सेम है और रिकवरी की भी आपकी सेम है, क्योंकि रिकवरी की तो आपने सिर्फ एक ही बार ही जनरेट करी, दूसरी बार सिर्फ आपने उसका बैकअप लिया था। तो अब क्या करना है आपको, इस कोड को करना है आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद आप उसी ड्राइव में जाएंगे, फिर से इसे करेंगे अनलॉक, मोर ऑप्शन, एंटर रिकवरी की और वो की आपको यहाँ पर कर देनी है पेस्ट, देन अनलॉक, तो जो आपका ड्राइव होगा वो हो जाएगा अनलॉक। तो क्लियर हो गया आपको कि आप डेटा ड्राइव को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटलॉकर टूल का यूज करके। अब मैं इस ड्राइव के बिटलॉकर कर देता हूँ टर्न ऑफ। ऑफ करने के बाद ये जो रिकवरी की है इसका कोई यूज नहीं बचेगा, और जब आप दोबारा से बिटलॉकर को अप्लाई करेंगे अपनी ड्राइव पर तो आपकी जो रिकवरी की होगी वो फिर से न्यू जनरेट होगी, इसका कोई यूज नहीं। ऑफ करने के लिए हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को, कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको जाना है बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन में, देन ये ड्राइव है मेरी, क्लिक करना है टर्न ऑफ बिटलॉकर ऑप्शन पे। आप टर्न ऑफ करेंगे तो आपकी जो ड्राइव है वो डिक्रिप्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जब तक आपका डिक्रिप्शन 100% नहीं हो जाता आप इसी ड्राइव पर बिटलॉकर द्वारा से अप्लाई नहीं कर सकते। आप नोटिफिकेशन एरिया में इसी फाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके ड्राइव में कितना परसेंट जो ड्राइव है वो डिक्रिप्ट हो चुका है, तो इसके 100% होने के बाद ही आप बिटलॉकर को फिर से रीअप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका ड्राइव था वो फुली डिक्रिप्टेड हो गया, क्लोज कर देते हैं इसे, वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपका जो ई ड्राइव है बिटलॉकर से प्रोटेक्शन हट चुका है। सो इन दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ यूजर्स दैट विल एक्सेस योर सिस्टम और लैपटॉप इन द एब्सेंस ऑफ योर अवेलेबिलिटी। दैट्स इट्स फॉर द टुडे सेशन। इफ यू like our video, please click on the like, share and subscribe button. Thanks for watching.